हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू ए न्यू लेक्चर दैट इज सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 9 फॉर क्लास 12th है। सो आम देखते सॉल्यूशन चैप्टर रो देखो मु सॉल्यूशन चैप्टर को तुम टिके इजी करिया सॉल्यूशन चैप्टर मु कोन कर दो चारटा भाग कर दो है। सो कौन कौन सो चारटा पार्ट कर दो सो पार्ट एपट लिखा एपट साइड कौन टॉपिक अच्छे से लिखा है। सो जस्ट खाली तुमको जस्ट गोटे रिविजन कला टाइप गोटे 5 मिनट कहीदे। सो आम फर्स्ट पार्ट रे कौन देखते व्हाट इज सॉल्यूशन है कौन कौन लिखी व्हाट इज सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन कौन डाइल्यूट कौन है को को टर्म यूज करते आम कंसंट्रेशन को डिस्क्राइब करने को आम पढ़ते पार्ट वन कौन कौन से टर्म थी ना मोलारिटी कौन मोलालिटी कौन है यह सब जिनस डिस्कशन करते। सो पार्ट टू आसला कौन ना सॉल्युबिलिटी कौट आसला ना सॉल्युबिलिटी बुझला। सो तापर पार्ट थ्री आसो कौन वेपर प्रेशर सो सॉल्युबिलिटी आसला आम हेनरीज लॉ है बुझीपाल सी वेपर प्रेशर आइला वेपर प्रेशर कौन आइला राउल्ट्स लॉ रे कौन आइला ना आइडियल कौन आइडियल सॉल्यूशन कौन नॉन आइडियल कौन एजियोट्रोपस कौन है। सो यह सब आइला पार्ट थ्री बुझीपाल। सो ये आम मोस्ट इंपोर्टेंट थी यहाँ सॉल्युबिलिटी आम हेनरीज लॉ गोटे इंपोर्टेंट थी यही वर्षर। देखो मुझ सब तुमको किसी एक्सट्रा तो क्वेश्चन तुमने कहनी कह चिंता करनी बट ए बर्षर मोस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर आसो है पखापाखि 12 मार्क खंडे आसो 12 टू 13 मार्क खंडे है। सो पखापाखि 2% देखा गल 12 मार्क कहे आम 2% बुझीपाल जब कि पिला 58% आनचे कह सेकेंड डिजन मात्र ए पाठा पढ़ दूसरे से फास्ट डिजन होबार चान्स अच्छे कहीं आई 2% मिल जाए नहीं हाउ है कौन राहुल सर रहा। नेक्स्ट आसला तुम कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एटा है आम डिस्कशन चलता कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रे आम कौन डिस्कशन कर चार्टा जिनस विषय डिस्कशन। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन थी ना जो प्रॉपर्टी जाक नंबर ऑफ सॉल्यूट पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करते आम कह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बुझला। तापर रहा कौन सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन थी ना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट EOBP DOFP डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट FP है बुझीपाल। तापर आसला कौन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये जिनस आम डिस्कशन करवा है। सो देखो RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर बहुत जिनस डिस्कशन कर सारी जदि कह आउ थे करदे किसी असुविधा नहीं। सो आम आउ थे आज कौन करा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू डेरिवेशन कर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बुझिपाल। सो यूँ आम कौन करा पढ़ी पढ़ी जा। सो टिके गोटे सेकेंड सो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन ना कही कौन जे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कौन ना केमर पी नॉट थी प्योर रे चेंज के ना PS है। सो टोटल चेंज के डेल पी इक्वाल टू पी नॉट माइनस PS एति आम जानी। सो व्वेन उमें जो चेंज है कहीं चेंज है व्वेन वी एड सम अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिसले कौन हम ना जो देख उपर थी आम सरफेस वोलेटाइल कंपोनेंट थे से वोलेटाइल कंपोनेंट मान समस्त टेंडेन्सी थी जो कौन हो पारे गैस हो पारे जदि समस्त जब गैस हो पारे वेपर हो पारे एम आसिक कौन करेंगे प्रेसर पकई पारे। सो ये प्रेसर को आम कहते वेपर प्रेसर बुझीपाल। सो ये वोलेटाइल कंपोनेंट जाक उपर थे फरटा क्या प्योर सॉल्वेंट जिते मुझे कि आणिकी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिसे दिली कौन मिसेली ना नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट मिसेली यार सरफेस उपर आस कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जाक जमा ही गले बाय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। सो जी अमाउंट वोलेटाइल कंपोनेंट गैस होता है तो कम अमाउंट गैस है। सो वेपर प्रेशर भी कौन है ग्रेजुअली डिक्रीज है। सो यहाँ को आम कहे कौन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बट आउ गोटे जिनस लगी कौन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो कौन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट तुलन केते वेपर प्रेशर कमिला बुझीपाल। सो यहाँ आम जो देखा कौन कहली मुझ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बुझला। सो ये जो
पी अफ एस रे कौन ना प्रेसर ऑफ द सॉल्वेंट। सो जो आम राउल्ट फ्लोर देखते जो नॉन वोलेटाइल केस को जाते सो पी टी इज इक्वल टू कौन थी आमर पी ए प्लस पी बी ये थी आम राउल्ट फ्लो। सो जदि आम पी एटा आम कौन हो जीरो सो पी टी इज इक्वल टू के पी बी हे यहाँ जाना कथा हाँ ना सो पी टी टा कह ना सल्यूसन रेसर है सो सल्यूसन रेसरटा क्या डिपेंड कर ना ओनली सल्भेन्टर प्रेसर उप डिपेंड कर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ दुटा केस था केस वन वोलेटाइल जो वोलेटाइल मिसाऊ नॉन वोलेटाइल जो वोलेटाइल मिसाऊ सो सही मुझे डेरिवेशन करी से तुम जापार सो पी टी इज इक्वल टू पी बी है सो पी बी है मैंने पी बी टा कौन ना प्रेसर अफ द सॉल्वेंट पी टी टा कौन प्रेसर अफ द सॉल्यूशन सो प्रेसर अफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेसर अफ द सॉल्वेंट सो ये जो प्रेसर अफ द सॉल्यूशन लिखाई मुझे बदल में पी बी लिख पारि नहीं जा पी बी पी नॉट इज इक्वल टू सॉरी पी नॉट माइनस पी बी हला इमित लिख पारे पी बी बा पी सॉल्यूट बोल लिखि दियो पी सॉल्यूट बुझिपाल सो पी सॉल्यूट इज इक्वल टू कौन थी आमर से सॉरी पी सॉल्वेंट इटा हो सॉरी 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 कौन हम यहाँ पी सॉल्वेंट बोल लिख दियो सो पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू कौन ना पी नॉट सॉल्वेंट इंटु मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी नॉट ए इंटु पी बी सॉरी पी नॉट ए इंटु एक्स बी सिमिली पी सॉल्वेंट इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इंटु एक्स सॉल्वेंट सो ए जो पी सॉल्वेंट बदल रे मु एतिकी पुट करि पारि सो एटे कोन हबो देखिलो पी नॉट माइनस पी नॉट सॉल्वेंट इंटु एक्स सॉल्वेंट एटे कोन अछि ना हमर डेल पी अछि सो एपर डेल पी भी लेखु तो हम दरकार पड़ियो हला सो एटे देखो ए दुटा जा भितरु मते कॉमन काट दियो पी नॉट टा कॉमन काट दियो सो डेल पी इक्वल टू पी नॉट जदि कॉमन बाहर पड़ा वन माइनस एक्स सॉल्वेंट रहा सो एपट जो पी नॉटा गुणा है एपड़ आने कौन हो हराइज सो डेल पी इज इक्वल टू डेल पी बाय पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल टू वन माइनस एक्स सॉल्वेंट सो आम जानचे एक्स ऑफ सॉल्यूट प्लस एक्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू वन सो वन माइनस एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट सो मुझे लिख पाए जे एक्स ऑफ सॉल्यूट ये जिन मत आईला डेरिवेशन रे सो आमु दरकार कौन ना मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट है तो बुझीपार ना बुझीपार मत लगे बुझीपार मुझे धीरे धीरे पढ़ाऊँ किसी असुविधा नहीं न बुझी आउ गोटे थर वीडियो देख आउ गोटे थर जाए रिवाइंड कर देख तीन चार थर लेखे देख बट यही कनसेप्ट भल लगे बुझ कहीं ही लंग क्वेश्चन आस 2019 देख ए भितर क्वेश्चन आला से यहाँ भल लगे बुझ भल लगे बुझ आर प्रॉब्लम मुझे देवी प्रॉब्लम जहाँ कर सो देख कौन हो ना एक्स ऑफ सॉल्यूट रहा सो एक्स ऑफ सॉल्यूट कह मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कौन थी मुझ सॉल्यूट को ए बोली नहीं आँची है सो सॉल्यूट को मुझे पकई पारे एन ए बाय एन ए प्लस एन बी वेयर एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बुझिपाल सो इमित हम सो आम जानते जे फॉर एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू कौन हम एन ए बदल में पकई पारे डब्ल्यू ए बाय एम ए बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी एटा पकई पारि फर एटा का पई फर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन का पई एटा ना कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन पई बुझिपाल बट नेक्स्ट आम जो देखा जो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूट पई कर डाइल्यूट कहले कौन ना डाइल्यूट सॉल्यूशन का कहवा ना जा सॉल्यूशन व्हिच हैव रिलेटिवली लो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट जहीं कम क्वांटिटी सॉल्यूट थी आम कौन कह ना डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सो ये सॉल्यूट रो अमाउंट आपको जब आम जीरो नहीं जावा ये लिखीदी भूल रे सो से तले आधे लिखा था डब्ल्यू ए बाय एम ए सो से कौन हम एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बाय एम ए बाय डब्ल्यू ए बाय एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाय एम बी बट डब्ल्यू ए बाय एम ए इज भेरी 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 लेस देन दैट ऑफ द डब्ल्यू बी बाय एम बी सो ए जो समेसन टाक आम टोटाल यार भैल्यूटा को जीरो नहीं जा रहा कौन आम पारे डब्ल्यू ए बाय एम ए बाय डब्ल्यू बी बाय एम बी सोटा मुझे लिख पारे डब्ल्यू ए एम बी डब्ल्यू बी एम ए डब्ल्यू बी एम ए सो यहाँ बदल एटा इक्वल टू एक्स बी एटाई सरी एक्स एक्स ए
एटा सो आम ये एक्स सल्यूट अच्छी सो एक्स सल्यूट बदल में यहाँ फर डायल्यूट यहाँ पकई पारि फर कनसनट्रेट ये पकई पारि हाँ तो सो ये मुझे फर डायल्यूट लिखुची फर डायल्यूट सल्यूसन कौन डेल पी बाई पी नॉट इक्वल टू कौन ना डब्ल्यू ए एम बी बाई डब्ल्यू बी एम ए नंबर वन सो एठू तुम मान प्रॉब्लम पड़ बुझिपाल सो सी कौन कर डब्ल्यू ए दे थ एम बी दे थो डब्ल्यू बी दे थो एम ए पचार एटे पी नॉट दे थो पी एच दे थो सब दे थो खाली गोटे जिनस तुम पचार एम ए रैल्यूटा यहाँ मे भी पचारि पारे ना कले सब दे थो चार जाक पी एस रैल्यू दे न थो पी एस पचार है सो ए टाइप रुमु प्रोब्लम आसो आईन बुझिपाल सो प्रोब्लम मुझे एक्सट्रा क्लास ने भी किसी वरी हेबार ना खाली एवं कर ये डेरीवेसन कर लेख ताप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सरला सो नेक्स्ट टाइम जी एट दि थर पढ़ी तो टी स्पीड्रे पढ़ेदेली है सो नेक्स्ट टाइम जी कौन ना एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मुझे तुमको बुझे सारी कौन पर एलिवेट होला सो एलिवेट कहीं होना कौन होेहेतु देख आम जो गोटे कंपाउंड गोटे सल्यूसन सल्वेंट सल्वेंटा कौन थी ना भोलाटाइल सल्वेंट थी कौन थी ये भोलाटाइल थिला जेतो ये भोलाटाइल थिला माने आरा प्रेशरटा कौन थी टी अधिक थी जेतो कौन कले आई आम कि गोटे नन भोलाटाइल सल्यूट एड कले कौन कले नन भोलाटाइल भोलाटाइल सल्यूट जेतो नन भोलाटाइल सल्यूट एड कले कहीं भोलाटाइल सल्वेंट रे भोलाटाइल सल्वेंट रे सो ये तुम फॉर्मेशन कला गोटे सल्यूसन सो ये जो सल्यूसन रो प्रेशरटा सल्यूसन कि गोटे प्रेसर थी पी बोली सो जो सल्यूसन रेसरटा कौन है ना जो सल्वेंटर प्रेसर ठू कमीगला यहाँ पी नॉट थिला ये है पीएस कहीं कमिला कहीं सरफेस मॉलिक्यूल संख्या कमीगले वोलेटाइल मॉलिक्यूल संख्या कमीगले सो वोलेटाइल प्रेसर क्या डिपेंड करता वेपर प्रेसरटा ना द नंबर ऑफ वेपर्स है वेपर प्रेसर कहे कौन द प्रेसर एक्जर्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर जो गोटे मिनिमम गिवेन टेम्परेचर थी से गिवेन टेम्परेचर रे वेपर के सरफेस प्रेसर पकोचा है कौन है प्रेसर कमिला गोटे जनर प्रेसर कमी जाइए टेम्परेचर दे तार कौन प्रेसर बढ़ो सो रफली मुझे सामने गोटे ट्रिक टाइप बुझे थी नाइन चार्टा गार नब सो यहाँ तुम है बॉइलिंग पॉइंट यहाँ तुम फ्रिजिंग पॉइंट ये गार जाक सो है ये आम अच्छी कौन सल्वेंट है ये आम अच्छी सल्यूसन सो यहाँ सब प्रेसर गार जाक कि गार जाक प्रेसर गार जाक सो बॉइलिंग पॉइंट रे केते प्रेसर था ना 180 एम था सो सल्वेंट कहले ये मन आम अच्छी पी नॉट प्रेसरटा के पी नॉट ये जो प्रेसर अच्छी के पी एस सो पी नॉट टू ये गला एति टेम्परेचर आम दे टी नॉट बी एठ आपको ये टेम्परेचर दे के ना टी एस बी है कौन दे टी एस ऊपर रही है स्थल रही भी सो ये टेम्परेचर क्या आम अधिक टेम्परेचर दे सल्यूसन को अधिक टेम्परेचर दे पाखु आसाक सो से कौन है आम तो चेंज इन टेम्परेचर देखिया डेल टी बी केते चेंज है ना टी एस बी माइनस टी नॉट बी है सो यहाँ मुझे पकई पारि हेले जो सल्यूसन रारटा जो ये आईला कहीं आईला ना तहरे कि गोटे एमाउंट रन भोलाटाइल अच्छा नन भोलाटाइल सल्यूट जदि मुझे कहल नन भोलाटाइल सल्यूट्र परिमाण बढ़ेदेली सी कौन आउ टे तौक पड़े तार आउरी प्रेसर कमीजो हेले देख ये जो गारटा जो रहा ये जो गारटा से क्या ऊपर डिपेंड करना एमाउंट अफ सल्यूट के जदि एमाउंट अफ सल्यूट कम दे गारटा ये भी आईपे जदि गारटा ये जो चेंज केला भल भाव बुझ मु कौन कह चाहिए सो जो चेंजटा मैक्सीम क्या ऊपर डिपेंड कर एमाउंट अफ सल्यूट के प्रेजेंट अच्छे सो ये मुझे लिखिपारीजे द चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूट सल्यूट्र मोलालिटी के ऊपर डिपेंड कर सो ये मुझे लिखिपारि दैट इज योर डेल टी बी इक् डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इक्वेशन नंबर वन है सो एम कह कौन मोलालिटी ऑफ द
सॉल्यूट सो तापर आसला कोन डेल टी बी इक्वल टू के बी इनटू एम व्हेयर के बी इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कोन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और आपको हमें कोचे इबिलियोस्कोपी कांस्टेंट स्पेलिंग भूल थिले ठीक कर दबो बुझला कौन ताको हम कहे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट मध्ये कहे और आ कहे मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट कौन कहे मोलाल एलिवेशन कांस्टेंट एडा मध्ये हमें कहे हला सो इति भला बे देखो इन हला ता परे कौन करि परि हम एम बदल रे कौन पकाई परि सो मो पाखर अछि एम कहले कौन ना एम हला मोलालिटी सो मोलालिटी रो फार्मूला हला मोल्स of solute by mass of the कौन solvent in gram जो दिया मैं करिया ऊपर कहते multiply करिया 1000 multiply करिया हला so मु कौन नहीं ची TB is equal to del TB equal to KB into molality को ले कौन moles of the solute so mole Na is equal to कौन अच्छी हम जान चाहिए ना डब्ल्यू ए बाई एम ए व्हेर ए इज द सॉल्यूट को मन रे ए नहीं छी हला हबो सॉरी बी को नहीं जियो हला बी को नहीं जियो तम बुझिया को सहज हबो चारटा जारे बी को ही सॉल्यूट नबो देखो चारटा जगह प्रॉपर्ट रे बी को सॉल्यूट नबो हला सो के बी इज इक्वल एम बदल रे मु एती पकाइ परि कोन ना डब्ल्यू डब्ल्यू बी बाई एम बी एन बदल रे तापर कोन रहला मास ऑफ द सॉल्वेंट सो जदी बी टा हमर सॉल्यूट मास ऑफ द सॉल्वेंट केते डब्ल्यू डब्ल्यू ए हला हला ता से तो कोन छ हम ऊपर हजारे मल्टीप्लाई करे काई कि ना डब्ल्यू एडा केते इन ग्राम रे नीचे हमे हला सो केते आसीबो डेल टी बी इज इक्वल टू डेल टी बी इक्वल टू के बी इनटू डब्ल्यू बी इनटू 1000 बाय डब्ल्यू ए इनटू एम बी सो देखो ये जो कैपिटल बी जो लिखा है सेटा ला बॉइलिंग पॉइंट पे ए सॉरी कैपिटल बी जो लिखा है सेला सॉल्यूट पे वेयर कैपिटल बी इज सॉल्यूट एंड ए इज द सॉल्वेंट आ जो स्मॉल बी देखु जो सेला बॉइलिंग पॉइंट कंफ्यूज है जोनी हला बुझला सो तमु एडे कोन पचार थिबो ना मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पचार थिबो सो एम टाइड के आन दबो एडा सेडी नै जियो एम बी इज इक्वल टू केते हबो इन लिखि दोस मु लिभे लिख दोस एटा एडी जदी एमबी पळे आसला जे एमबी पळे आला एमबी जगह केते पळेबो डेल टीबी पळेबो हला सो ई हला तमरो गोटे फार्मूला ए टाइप रो कोडा ना कोडा गोटे देइ नथिबो से तमे काडिबो बुझिबालो सो एति लिखि दियो तापर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमर थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हला कोन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग सॉरी जेड जेड आई एंजिन हाँ छाड़ जाए तो देखियो हला मोर स्पेलिंग टिके रॉन्ग होइता काने मु टिके इंग्लिश रेली वीक सेति पई मु कोन करछी ना ओडिया रे पढौछी हला कोन पई इंग्लिश रे मु पढौनी ना काई ना मते इंग्लिश आउनी बुझबालो सो देखो सीन जगह आउ तीनटा कारो चारटा कारो टाणीबा सो ई हला हमर कोन फ्रीजिंग पॉइंट थिला सो ए ऊपर थिला तमर कोन बॉइलिंग पॉइंट सो देखो एठी हमर कोन थिला ना प्योर सॉल्वेंट थिला पी नॉट एटा हमर थिला कोन पीएस सो पी नॉट टाइट की जल्दी आइबो ना पीएस टा जल्दी आइबो पीएस टा जल्दी आइबो पी नॉट रे कोन हला ना अधिक प्रेस एनर्जी देबा पड़ला अधिक एनर्जी काडिया पड़ला सो पीएस रे कोन कम एनर्जी काडिया पड़छी सेति पई तुम देखथिबो तुम घर आगे जे तो राबिडी मले जो बिकाउ थबो कि तुम जति की सब आइसक्रीम तयार हुए ना कोठ तयार हुए ना गो सॉल्ट सॉल्यूशन को कोन करा जाइथे ठंडा करा जाइथे ए जो सॉल्यूशन थाए ना सी कोन सॉल्ट सॉल्यूशन डा बुझि पालो सो ये सॉल्ट सॉल्यूशन भितर तुम कौन कर आइसक्रीम को रखा थो है कहीं जल्दी कौन कर फ्रिज हे बोली बुझिपाल सो सॉल्ट सॉल्यूशन आम यूज होता है कहीं सी जल्दी फ्रिज हुए ये फ्रिज होगापर आपको सी फ्रिज कर ये जल्दी एनर्जी कंज्यूम कर एनर्जी कंज्यूम कर थंडा करदेव बुझिपाल सो से कौन कर आइसक्रीम फैक्ट्री हो बरफ कल हो सब कौन कराए सॉल्ट सॉल्यूशन तैयारी तुम फेज इक्विलिब्रियम जो पड़ो आ विषय में भला जापर सो सी कौन है कम एनर्जी देखा पड़ा सो ये आम टीएफ एस ये टीएफ नॉट सो कोटा अधिक टीएफ नॉट सो डेल टीएफ इज इक्वल टू कौन हम टीएफ नॉट माइनस टीएफ एस
एतिकला सो तापर हम जानचे जे कोन एटा हला चेंज इन वेपर प्रेशर सो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट केते कमुची सो कमुची अर्थ एडा का ऊपर डिपेंड करछ ना केते अमाउंट रो सॉल्यूट ऐड करछ सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम सो सिमिलरली कोन हबो एफ कर दियो सो सिमिलरली कोन हबो डेल टी एफ इक्वल टू केएफ केएफ इनटू एम वेयर केएफ इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हला और ताको हमें कोचे कोनो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट मदे कोचे सो एम बदल रे मु सिमितिया पकाई पारी डेल टी ए पूरा सेम केएफ केते पकाई इनटू डब्ल्यू बी इनटू 1000 बाय डब्ल्यू ए इनटू एम बी इनटू एम बी डब्ल्यू डा कौन इन ग्राम रे थिबो हला सो जे तमे डेल टी एफ काडिया छन सो ए एम बी पकाइबो जदि एम बी काडिया छन सो ए ध्यान दबो एडा एम बी डा सेडी कोन जो डेल टी एफ नि जो सो ए थिला तमरो कोन ना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रो कैलकुलेशन ऑफ कोन ना मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हो सो आजर क्लास एति थाउ नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन करबा ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक प्रेशर पई गुटी एक्स्ट्रा क्लास नेबी ता सहित तमरो जो जोटा सिलेबस रे काटी दैछि वेंट अफेक्टर एबनॉर्मल मोलर मास जा मध्ये थिबो कि नथिबो से सब जाको लास्ट टाइम डिस्कशन करबा हला सिलेबस थाउ कि नथाउ आ माने माथा कोन करिया आ माने सब जिंस पढिया हला सो सेति पई जो सेइडा सेति पई मु आज एक्स्ट्रा काई करछि ना जे तमे एडी जदि कली तमे आधा देखिबो आधा छाड़ दो ना एडा सिलेबस रे नाही कोन पढिया बट मु कहीं लास्ट करी ना से तुम एक्स्ट्रा से तुम से वीडियो देखले देखो ना ना बट से कौन दर परवर्त समय मोस्ट इंपोर्टेंट से दरकार पड़ो है सो जहाँ जहाँ आज वीडियो भल लगा प्लीज सब्सक्राइब कर दियो से दिन तुम कौन देख ए सैट्रे मत तुमको दुसुब जो मुझे देखा तुम मैं सैट्रे ना के परसेंट पिला सब्सक्राइब करते परसेंट पिला देखु वीडियो बट सब्सक्राइब कर देख सब्सक्राइब कले कौन पैसा सोची किए कि सोनी कार पैसा गोटे तुम सब्सक्राइब कर कि लाइक कर कि सेयर कले आमर किसी आम पैसा मिलनी कि तुमको किसी पैसा सोनी खाली गोटे जिनस कौन ना आम गोटे गोटे कमटे कर मोटेट मिलूँ हाँ ना ये पिला आमर एतिक जन मोर डिपेड करोली आमर गोटे कन्सीयसने रोच गोटे रेस्पनसबिलिटी गोटे आई 2000 पिला मोर देखुं सो 2000 पिलाई मुझ करी भिड बनैब सो मोर गोटे गोटे अलग प्रकार फिलिंगस आसा देखिए बुझिपाल ना कौन हाँ मत मोर एति पिला डिपेंड कर मोर गोटे रेस्पनसबिलिटी आती जदि समय देखु जब 50% कले मोर 4000 पिला देखु 2000 पिला सब्सक्राइब कर बुझिपाल ना से कहार अर्थ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कले मत किसी पैसा मिलेनी तुम किसी पैसा भी नष्ट होनी है सो से भल लगुच सब्सक्राइब कर दि थैंक यू।